कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विरोध में प्रदेश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जिला मुख्यालय धर्मशाला के अस्पतालों में हड़ताल के कारण ओपीडी सेवाएं बंद रही। इस दौरान धर्मशाला की आपातकालीन सेवाएं दी गई। अस्पताल में मरीजों को ओपीडी में सेवाएं नहीं मिली। ओपीडी के बाहर कुर्सियां खाली रही। अस्पताल से चहल पहल भी गायब रही। दूर दराज से पहुंचे लोगों को निराश होकर घर वापस जाना पड़ा। वहीं जिला एचएमओ ब्रांच कांगड़ा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर केशव ने बताया है कि कोलकाता के दुष्कर्म की घटना के बाद डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि ओपीडी सेवाएं बंद हैं, लेकिन आपातकालीन सेवाएं चलती रहेंगी। मैं डॉक्टर केशव, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचएमओ ब्रांच कांगड़ा। आपको मालूम ही है कि आरजी कर मेडिकल में जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी वजह से हमने शनिवार को भी किया था, और वो भी जो दूसरी जो हमारी बड़ी एसोसिएशन है, जो हमारे हेड ऑफिस वाली एसोसिएशन है, और जो दूसरे आईएमए हैं, और दूसरे जो दूसरी स्टेटों से जितने भी डॉक्टरों की यूनियन है, उन सभी ने ये आह्वान किया था कि इसको कंटिन्यू किया जाए। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जस्ट टू कंटिन्यू उनके जैसे आदेश हैं, उनको पालन करते हुए जो है आज हमने ओपीडी बंद रखी है। कैजुअल्टी सर्विसेज और दूसरी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो चल रही हैं, बट ओपीडी बंद रखी हुई हैं। ये अभी तो यही है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल होल स्टाफ, चाहे उसमें डॉक्टर जो भी फीमेल स्टाफ है और मेल स्टाफ है, सभी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये मतलब उसके लिए ये रिक्वेस्ट है। ये अभी अपील तो काफ़ी लोगों ने की है, बड़े टाइम से हो रहा था। देखो, निर्भया वन हुआ था तब भी बहुत ज़्यादा अपील होती रही, बट उन अपीलों का जो है ना धरातल पे कोई असर तो दिख नहीं रहा था। तो अब कंपेल होके या मजबूर होके जो है, जो मतलब हमारी बॉडी जो है उसके ऊपर अटैक हुआ है रिसेंटली, तो वही उठाएगी। अगर कोई और बॉडी होती, कोई और मतलब प्रोफेशनल होता, तो उन्होंने भी उठाना था। मतलब क्योंकि अपीलें आप देख रहे हैं, ये 15-20 साल से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले भी होता था, लेकिन पहले क्या था, मीडिया इतना सशक्त नहीं था। ये तो शुरू से ही चला आ रहा है, जब से ह्यूमन रेस चली हुई है। मीडिया सशक्त नहीं थे तो वो ये चीज़ें दब जाती थी, पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी। पहले लोगों में जो लेडीज़ में ये शर्म का बड़ा होता था, तो ये अब थोड़ा सा अवेयरनेस हुई है। मीडिया बहुत सशक्त पावरफुल है, और अब थोड़ा बहुत सुना भी जा रहा है। अब सरकारें भी सुन रही हैं, हम ये तो नहीं बोल सकते नहीं सुन रही हैं, सुन रही हैं, सुनवाई हो रही है, केस चला है, उसके सीबीआई इंक्वायरी सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल वो हमारी जो बॉडीज़ हैं, जो हमारी पेरेंट्स बॉडी हैं, जो हमारी बड़ी एसोसिएशन है, दे फील कि भाई अभी लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन, एंड फॉर दैट दे आर डिमांडिंग दिस।